सोशल में सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है लोकतंत्र तथा समानता, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार है। अब हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ है लोगों का शासन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सन 1860 ईस्वी में कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी लोकतंत्र देश की ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक का चुनाव कर सके। लोकतंत्र में अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। यानी सरल शब्दों में लोकतंत्र का अर्थ यह है कि लोकतंत्र वह सरकार होती है जिसमें प्रशासन जनता के हाथ में होता है, यानी हमारे हाथ में होता है। अब हम लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र निम्न सिद्धांतों का पालन करता है। सारी शक्ति जनता में निहित है, वे अपनी सरकार चुनते हैं, नियंत्रित करते हैं तथा उसे सत्ता से हटा भी सकते हैं। मतदान एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है, यानी कि जो चुनाव होता है उसका एक निश्चित समय होता है और भारत में ये मतदान प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, यानी एक से अधिक पार्टियां चुनाव में यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वयस्क जनता मतदान करके अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, यानी कि जो वयस्क हो गए यानी 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी नागरिक हैं वे अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत समानता है। समानता यानी ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र का जो निर्माण है बिना समानता के संभव नहीं, और हमारे देश में लोकतंत्र में सभी नागरिकों के पास समान अधिकार है। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। सरकार संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती है। ये हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। प्रणाली जो लोकतंत्र को प्रदर्शित करती है। लोकतांत्रिक सरकार मतदान प्रणाली के द्वारा कार्य करती है। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, यानी जनता का शासन होता है। किसी भी सरकार को तब तक लोकतंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता नहीं देती। अब हम यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में जानेंगे। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी अपनी पसंद को व्यक्त करने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। मताधिकार यह एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को जन्म से नहीं बल्कि वयस्क होने या निश्चित आयु प्राप्त करने पर ही मिलता है। अलग अलग देशों में वयस्क मताधिकार की आयु अलग अलग निर्धारित है और भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष से अधिक है। देश के सभी वयस्क व्यक्तियों को मत प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, फिर वह चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म, वर्ग या लिंग का हो। उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। केवल पागल, अवयस्क, दिवालिया, अपराधी तथा विदेशी लोग मताधिकार से वंचित हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सभी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, फिर वे चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी को अपना मत देने का अधिकार है। किसी भी
भी भारतीय को उसकी जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता। एक लोकतंत्रात्मक देश में सरकार एक निश्चित समय के लिए बनती है और उसके बाद जब सरकार की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो चुनाव दोबारा कराए जाते हैं, यानी कि जनता चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरकार का गठन करते हैं। चुनाव जो है सरकार के कार्य के गुण दोषों का फैसला करते हैं। यदि सरकार का काम संतोषजनक है तो लोग उसी दल को पुनः सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं, अन्यथा वे चुनाव द्वारा शासकों को बदल सकते हैं। चुनाव जो है शांतिपूर्वक सरकार बदलने का माध्यम है और भारत में केंद्रीय तथा राज्य सरकार के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती हैं। नियमित चुनाव के बाद अब हम राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या है। तो आप अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी की बात करते हैं या किसी न किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि जब कभी भी चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के साथ हमसे मत लेने के लिए, वोट लेने के लिए, अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में और घर घर जाते हैं और रैलियां करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि उनकी पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिल सके। और भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आदि। यदि कोई दल विधानसभा में आधे से अधिक सीट जीतने में सफल हो जाता है तो वह किसी अन्य राजनीतिक दल के सहयोग के बिना अपनी सरकार बना सकता है और वह अपने दल को अपनी सरकार बनाता है, उसे सत्ताधारी दल कहते हैं। तथा दूसरा, विपक्षी दल यदि कोई पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बना लेते हैं और इस प्रकार की सरकार को हम मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूप। तो सरकार का केवल एकमात्र स्वरूप लोकतंत्र नहीं है बल्कि इसके दो अन्य महत्वपूर्ण और स्वरूप भी हैं जो इस प्रकार से हैं, एक तंत्र राजशाही तथा दूसरा तानाशाही। यानी लोकतंत्र के अलावा राजशाही तथा तानाशाही दो और भी स्वरूप हैं। तो अब हम एक तंत्र राजशाही के बारे में जानेंगे। विश्व के कुछ देशों में राजतंत्र प्रचलित है। इस प्रकार की सरकार में राज्य की सारी शक्तियाँ राजा या रानी में निहित होती हैं, यानी कि राजा या रानी के हाथ में होती हैं। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो सामान्य तौर पर उसके बड़े बेटे को राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी कि राजतंत्र में वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित सरकार होती है। इसके बाद हम तानाशाही सरकार के बारे में जानेंगे। और दूसरा है तानाशाही सरकार। इस प्रकार की सरकार में वैसे तो सारी शक्ति एक विशेष व्यक्ति में ही निहित होती है, परंतु कुछ शक्ति छोटे पद पर बैठे अधिकारियों के पास भी होती है। इस प्रकार के राज्य में केवल एक ही व्यक्ति शासन चलाता है और यदि आम जनता में से कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसे दंड दिया जाता है। और आप जानते हैं कि चीन तथा म्यांमार में तानाशाही सरकारें स्थापित हैं। केवल लोकतंत्र में ही जनता के पास सबसे अधिक शक्ति होती है,
केवल इसी प्रकार की सरकार जनता को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह सरकार को बदल सके।